हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन बाइंग सीरीज की डे नंबर 22। आज 26 सितंबर, अभी टाइम 9 बज रहा है। 25 सितंबर की जो ट्रेडिंग था डे नंबर 21, यहाँ पर मैंने दो ट्रेड ली थी कल सेमी स्ट्राइक की, एंड कल दोनों ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। आप देख सकते हो वीडियोज भी, अपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर है। एंड 74,000 की लॉस हुआ था, एंड चार्जेस लगा के नेट पी एन एल जो है 76,000। तो आज ट्रेडिंग करेंगे फिर से। तो फर्स्ट हम देखेंगे, कल मार्केट थोड़ा अपसाइड गया है, यहाँ पर देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम में, एक ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया है। कल ओपनिंग यहाँ पर हुआ था एंड क्लोजिंग जो हुआ है यहाँ पर हुआ है। बट यहाँ पर देख सकते हो जो 9 पीरियड ए में है, ये जो ब्लू लाइन, इसका नीचे क्लोज दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी का 44,766, और आज ओपनिंग प्राइस कितना हो रहा है अभी नहीं दिया है, पर 9:07-8 के आसपास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो उस टाइम हम देखेंगे गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो बेरिश क्लोज हुआ को देखते हुए हम एंट्री लेंगे। अगर गैप डाउन मोर देन 40 पॉइंट हो रहा है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए एंड आगे जो स्टेप है उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एंट्री करेंगे। और ये बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट है 5 मिनट का, एलिगेटर एंड DMI अभी इंडिकेटर लगा के मैं रखा हूँ। और यहाँ पर जो है बुलिश क्लोज हुआ है अभी चार्ट में देख सकते हो, एलिगेटर में बुलिश क्रॉस ओवर एंड DMI में भी बुलिश क्रॉस ओवर एंड ADX 19 FAB है। तो अभी टाइम है 9:14 हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड आज की जो ओपनिंग प्राइस है 44,722 एंड कल की जो क्लोज प्राइस था 44,766, यानी 43 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मोर देन 40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए मैं एंट्री करूँगा। तो वॉल्यूम को देखते हुए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा। तो वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने यहाँ पर लगा के रखा हूँ, सपोर्ट लाइन मार्क करना है, एक रेड कैंडल होना चाहिए, उस रेड कैंडल की वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, डेज की लो पर सपोर्ट लाइन मार्क करेंगे। एंड एक ग्रीन कैंडल की क्लोज होना चाहिए, उस ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, तो डेज की हाई पर रेजिस्टेंस लाइन मार्क करना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्क कर चुका हूँ। अभी ADX बिलो 19 है, अगर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल की क्लोज होना चाहिए, उस ग्रीन कैंडल की हाई एंड लो 30 पॉइंट होना चाहिए, तो उस ग्रीन कैंडल की लो को जो कैंडल ब्रेक करेगा उस टाइम एंट्री करेंगे। तो अभी टाइम है यहाँ पर देख सकते हो 10:46 एंड यहाँ पर जो ये स्विंग लो था, इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, 10:30 का जो कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेक किया है, उसके बाद एक ग्रीन ट्रैप कैंडल मिला है। तो ये जो ग्रीन ट्रैप कैंडल है, इस ग्रीन ट्रैप कैंडल की लो एंड हाई रेंज 74 पॉइंट, ठीक है। तो इस ग्रीन ट्रैप कैंडल की लो को मैंने मार्क करके रखा हूँ एंड जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा तो पोजिशन बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ADX है, ADX बिलो 19 है, तो ADX को भी अभाव 19 होना चाहिए तब जाके मैं पोजीशन बनाऊँगा। अगर यहाँ पर ब्रेक भी कर देगा इस ट्रैप कैंडल की लो को तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊँगा हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार, तो इसको अबव 19 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं वेट करूंगा। तो ये जो ट्रैप कैंडल की लो है, लो 44,671, तो यहाँ पर मैंने पुट स्ट्राइक को ऐड करके भी रखा हूँ, ये देख सकते हो 44,700 पुट को ऐड करके मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा एंड ADX भी 19 अबव होगा तो मैं पोजिशन बनाऊँगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन ट्रैप कैंडल की लो को ब्रेक भी कर दिया था लेकिन मैंने कोई से नहीं बना पाया, ADX बिलो 19 था इसलिए। अभी टाइम है 11:35 एंड यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने ट्रैप कैंडल की लो को मार्क करके रखा था उसको ब्रेक कर दिया था लेकिन ADX जो था बिलो 19 था, तो दैट्स वाई मैं कोई से नहीं बना पाया। ग्रीन ट्रैप कैंडल के बाद 10 कैंडल की क्लोजिंग हो गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सपोर्ट लाइन को डेज की लो पर रखेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो नियरेस्ट जो स्विंग लो है मैंने यहाँ पर मार्क कर चुका हूँ, तो इस कैंडल की जो लो है 44,659.90 एंड यहाँ पर स्विंग हाई से अगर देखे
44,744, तो 84.80 या फिर 84 पॉइंट की यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैंने स्विंग लो को मार्क किया। अभी बराबर के 1 मिनट हुआ है एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो जो स्विंग लो मैंने मार्क करके रखा था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक न्यू स्विंग लो बना है तो इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, ये हो गया न्यू स्विंग लो। ठीक है, अभी टाइम है 12:57 एंड यहाँ पर देख सकते हो जो स्विंग लो था इसको ब्रेक करके नीचे में आया, 1, 2, 3 कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिला है। इसका जो लो एंड हाई रेंज है 40 पॉइंट, ठीक है 30 अभाव है, तो मैंने इसका लो को मार्क करके रखा हूँ एंड इसकी जो लो है इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा मैं यहाँ पर पोजिशन रेडी करके रखा हूँ तो मैं बाई कर लूँगा। ठीक है, तो अभी इंतजार करते इस ट्रैप कैंडल की लो को ब्रेक करने का। और ADX जो है यहाँ पर देख सकते हो ADX अबव 19 है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा मैं यहाँ पर पोजीशन बनाऊंगा। तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है मैंने, यहाँ पर बाय भी कर लिया हूँ। इसका जो एग्जीक्यूशन प्राइस है यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक में चलते हैं, इसका एग्जीक्यूशन प्राइस है 3,283। ओके, तो अभी स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे मैं यहाँ पर 253 में, स्टॉप लॉस में प्लेस करूंगा। ये मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहां पर मैंने प्लेस कर दिया हूं। स्टॉप लॉस हिट हो गया है गैस, यहाँ पर मैं अपने देखा चार्ट के ऊपर एंड ऑर्डर बुक में चलते हैं। ये देख सकते हो मैंने 12:59 में मैंने पोजीशन बनाया एंड 1:06 पर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, तो लॉसेस जो है 42,000 की लॉसेस। तो ये है ऑप्शन बाइंग सीरीज की P&L शीट एंड यहाँ पर देख सकते हो 26 सितंबर डे नंबर 22 एंड यहाँ पर लॉस हुआ है 42,600 की लॉस है आज की ट्रेडिंग में एंड कल भी लॉस हुआ था एंड 21 सितंबर को प्रॉफिट हुआ था 80,000 की। जिस दिन स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट मूव करेगा उस दिन बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकते हैं। इस सीरीज में जो स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं ओनली 30 पॉइंट एंड टारगेट अनलिमिटेड 200 पॉइंट। ठीक है, तो जिस दिन स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट मूव करेगा उस दिन बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रीवियस ट्रेडिंग जितना भी प्रॉफिट हुआ है बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो 21 सितंबर को 80,000 एंड यहाँ पर 13 सितंबर को 1,13,000 की प्रॉफिट हुआ था और एक दिन हुआ था 1,45,000 की प्रॉफिट। ठीक है, तो जिस दिन प्रॉफिट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस दिन लॉस होता है 30, 35 या फिर 40 के अंदर। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, तो यानी 27 सितंबर को डे नंबर 23 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। आप अगर स्ट्रेटजी वीडियो देखना चाहते हो ऑप्शन बाइंग सीरीज तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो और आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सारे ब्रोकर में अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।